इन दिस वीडियो मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 24 आवर्स इन माइनक्राफ्ट रियल लाइफ, मतलब कि मैं रियल लाइफ के 24 आवर्स माइनक्राफ्ट में देने वाला हूँ। सो क्या क्या अपडेट होता है, क्या वर्ल्ड में कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं, वो तुम लास्ट में देख के तुम्हें पता चल ही जाएगा। सो वीडियो में बने रहना। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था एक क्रीपर फार्म और एक कोबलस्टोन फार्म, जो कि तुम मुझे पीछे देख सकते हो। और इस वाले वीडियो में भी और कुछ बनाऊंगा, लाइक मैं अपने नेदरराइट आर्मर, अपने डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर से अपग्रेड भी करने वाला हूँ। सो लास्ट तक बने रहना, लेट्स गो चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टाइम लैप्स तुम्हारे लिए। तो ये तो पहला टाइम लैप्स, अभी एक दूसरा टाइम लैप्स और है, बट तुम बताना ये वाला टाइम लैप्स तुम्हें कैसे लगा। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा अपग्रेड कर लिया जाए, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा खाली खाली लग रहा था स्मेल्टिंग रूम, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका बालकनी साइड में दे दिया, जिससे हम लोग आके इस पर देख सकते हैं कि कैसे थोड़ा हाइट में बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं। एंड अब चलते हैं, हमारे को सैंड बहुत सारा चाहिए, क्योंकि हमें बनाना है TNT, और TNT इसलिए बनाना है क्योंकि हमें जाना है नेदर में, और नेदर में इसलिए जाना है क्योंकि हमारे को अपग्रेड करना है अपना नेदरराइट आर्मर, सॉरी डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर से अपग्रेड करना है। सो उसके लिए बहुत सारा TNT चाहिए। सो लेट्स गो चलते हैं, और सबसे पहले सैंड इकट्ठा करते हैं, लेट्स गो। तो बहुत देर की मेहनत के बाद मैंने फाइनली सैंड इकट्ठे कर लिए हैं, तुम देख सकते हो इतने सारे हो चुके हैं। एंड अब लेट्स गो चलते हैं गन पाउडर इकट्ठे करने। वैसे गन पाउडर की तो फैक्ट्री है यार अपने पास, मतलब वो क्या बोलते हैं फार्म, सो यह फार्म है, तो बस चल के देखते हैं हमारे पास कितने अभी गन पाउडर हैं। एंड लेट्स गो। लेकिन उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरे पास अभी इस वक्त चेस्ट में कितने पड़े हुए हैं। सो एक सेकंड, दिख तो नहीं रहा मुझे इसमें कहीं। एंड इसमें 8 पड़े हुए हैं, एक सेकंड। एंड यप, मेरे पास 2-3 स्टैक पड़े हुए हैं एक्चुअली, तो पहले इसको बनाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं। सो मैंने अभी तक एक स्टैक बना लिया है, जितना मेरे पास था उतने में सिर्फ एक स्टैक बन पाया, और मुझे और गन पाउडर चाहिए होगा। तो लेट्स गो चलते हैं अपने फार्म में और देखते हैं हमारे पास कितना गन पाउडर है एंड बनाते हैं। तो फिलहाल के पास तो मेरे पास इतना सारा गन पाउडर पड़ा हुआ है कि भाई साहब ज़्यादा भी नहीं, तो एक शलगर तो भरी जाएगा, कुछ ज़्यादा हो गया, बट मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, आधा तो हो ही जाना चाहिए। तो लेट्स गो चलते हैं और TNT बनाते हैं एंड चलते हैं नेदर में यार ब्लास्ट करने। तो मैंने सारे TNT बना लिए हैं एंड तुम देख सकते हो एक भी गन पाउडर नहीं है। तो लेट्स गो, अब चलते हैं नेदर में और फटाफट से अपने लिए आर्मर यार अपग्रेड करना है मेरे को, नेदर राइट आर्मर पहनना, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सो लेट्स गो चलते हैं एंड बनाते हैं। आते ही थोड़ा स्वागत हो गया था, तो मैंने अभी थोड़ी देर वापस जाके गोल्ड का क्या बोलते हैं हेलमेट बनाया। एंड लेट्स गो चलते हैं, अब वाइल्ड लेवल 14 पे जाना है क्योंकि अभी मैं 67 पे हूँ। सो लेट्स गो, पहले एक अच्छी सी नीचे वाली जगह ढूंढते हैं जहाँ पे लावा ना हो, लेट्स गो। ओके, तो मैं आ चुका हूँ वाइल्ड लेवल 14 पे एंड थोड़ा सा इसको एक मतलब स्पेस बना लेते हैं आने जाने के लिए, क्योंकि भागने के लिए भी चाहिए होता है, नहीं तो TNT अपने मुंह पे ही फट सकती है। सो पहले इसको जगह बनाते हैं एंड उसके बाद फोड़ेंगे। तो जगह क्लियर हो चुकी है एंड अब चलते हैं अपने TNT का सही उपयोग करते हैं, लेट्स गो। तो फर्स्ट ट्राई में नहीं मिला, सेकंड ट्राई करने जा रहा हूँ, लेट्स गो देखते कितना डैमेज मिलता है। ओके, ये वाला कुछ ज़्यादा अच्छा था, मतलब ओके वो दिख भी गया मुझे, एंशिएंट डेब्रिस 2-4 दिख रहे हैं मुझे, तो दो इस साइड और दो उस साइड। सो लेट्स गो, पहले ये वाला माइन करते हैं एंड एंजॉय माइनिंग शॉट। एंड इतना बम फटने के बाद भी मेरे को सिर्फ और सिर्फ 15 मिल चुके हैं एंशिएंट डेब्रिस, एंड आगे मतलब ये वाला मुझे पसंद नहीं आया। सो लेट्स गो, आगे वाला देखते हैं आगे कितना मिलता है। तो मैं थोड़ा और आगे जाने वाला हूँ एंड देखने वाले कि हमारे को और कितना मिला है। सो लेट्स गो।
ओके, तो अभी मेरे को 33 मिल चुके हैं एंड मैं सोच रहा था कि पिकेक्स की हालत ख़राब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़े से कॉर्ड्स भी माइन कर रहा हूँ जिससे मुझे एक्सपी मिल सके एंड उससे रिपेयर हो जाए, क्योंकि माइनिंग लगी है एंड भाई अच्छे खासी हो रही है भाई रिपेयर। सो यानी मतलब मुझे अपने वर्ल्ड में नहीं जाना पड़ेगा और मैं सोच रहा हूँ कि पूरे एक स्टैक माइन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने लगने वाले, एग्जैक्ट सच बता रहा हूँ कैलकुलेट करके नहीं आया हूँ। सो आई थिंक एक स्टैक में मेरा पूरा आर्मर एंड टूल्स हो जाएंगे। सो जल्दी से माइनिंग करते हैं एंड मिलते हैं। ओके, तो फाइनली एक स्टैक मैंने बहुत मेहनत के बाद कर लिया है एंड मतलब एक स्टैक पूरे हो चुके हैं एंड उससे थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं एंड फटाफट से बनाते हैं भाई, एक काम हो गया, लेट्स गो। भाई साहब अब एंडर ड्रैगन को ही मारनी ही है हमें, लेट्स गो, चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में एंड बनाते हैं। तो गाइस मैं अभी क्या बोलते गोल्ड लेने आया था एंड मुझे अभी याद आया कि अब 1.20 है ये वर्ल्ड एंड मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे वो स्मिथिंग टेम्पलेट लाना पड़ेगा जिसे डायमंड कैरमर को नेदरराइट कैरमर से अपग्रेड करना पड़ता है। सो यप, अब थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, अब मुझे उसके लिए पहले बेस्टियन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बेस्टियन में मिलता है वो। सो फटाफट से चलते हैं बेस्टियन ढूंढते हैं, लूटते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ एंड भाई मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मैं बेस्टियन में मिलता हूँ, लेट्स गो बाय। ओके, तो कैसे तैसे बच तो गया हूँ, इसमें है कि ओके भाई साहब तीसरी चेस्ट में फाइनली मिल गया मुझे, मैं तो मतलब दो तीन चेक कर चुका हूँ, तीसरी थी में मेरे को मिल चुका है एंड मेरा फोन लिटरली बहुत ज्यादा गंदे वाला हैंग कर रहा है यहाँ पे आने के बाद, ये बंदे लिटरली स्लो मोशन हो रखा है सारे के सारे, इतना गंदे वाला हैंग कर रहा है। सो लेट्स गो, अब चलते हैं एंड अपना अपग्रेड करते हैं डायमंड के टूल को नेदरराइट के टूल से, लेट्स गो। तो एक प्रॉब्लम है कि मुझे एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिला है एंड मुझे चाहिए 7 या 8 आई थिंक, क्योंकि मुझे सारे आर्मर अपने अपग्रेड करने हैं एंड अभी मुझे पता चला कि इसको डुप्लीकेट करने के लिए मुझे और डायमंड चाहिए होगा, लिटरली बहुत सारा डायमंड चाहिए अभी इसके लिए, मतलब 2-3 स्टैक लग जाएंगे मेरे, क्योंकि मेरे को जो क्या बोलते हैं उस पर ट्रिम भी लगाने वाला हूँ, ऑफ कोर्स ही बात है, तो ट्रिम के लिए भी मुझे जो चाहिए। सो यप, लेट्स गो, चलते हैं एंड ट्रिम के लिए एंड टेम्पलेट के लिए थोड़े से और डायमंड माइन करते हैं। ओके, तो अभी तक मेरे को सिर्फ 24 डायमंड मिले हैं एंड रेडस्टोन बहुत सारा मिल रहा है इसमें, तो ये अच्छी बात भी है एंड लेट्स गो, चलते हैं और माइन करेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ अब तुमको एंड में मिलते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है एंड मुझे अभी इस वीडियो में दो फार्म, एक फार्म एंड अभी एंडर ड्रैगन को ही मारना है एंड ये लाइटर अभी ढूंढना भाई। सो लेट्स गो, मैं तुम्हें डायमंड ढूंढ के या माइन करके मिलता हूँ, बाय। ओके, तो मैंने 57 डायमंड इकट्ठे कर लिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले इतने में अपने ट्रिम को अपग्रेड करते हैं एंड आर्मर को नेदरराइट करते हैं, लेट्स गो, चलते हैं ऊपर के साइड एंड बनाते हैं अपना नेदरराइट के टूल्स एंड आर्मर, देखते हैं कितना बनता है। सो मैं ऊपर ही आ रहा था तो मुझे और 2 डायमंड मिल चुका, पता नहीं क्यों मैं नीचे आ रहा था तो मुझे क्यों नहीं दिखे, पता नहीं मैं अंदर था शायद। सो लेट्स गो, देखते हैं कितने डायमंड्स में मिलते हैं, लेकिन 1 सेकंड टॉर्च लगा दूँ एंड थोड़ा चौका बना दे दूँ, नीचे गिर जाएगा यार एंड देखते हैं, मेरे को 2 तो दिख रहे हैं फिलहाल, 1 2 ओके 3 4 5, ओ भाई ठीक ठाक था यार, ओ 6, अरे भाई साहब एक स्टैक पर, एक स्टैक हो चुका भाई साहब, मस्त अब हो चुका है, अब तो पक्का ही बन जाने हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं ऊपर एंड बनाते हैं अपने सारे नेदरराइट के आर्मर। ओके, तो फाइनली हमारे पास आ चुका है नेदरराइट आर्मर पूरे मस्त इंचेंटिंग के साथ एंड अब हम बन चुके प्रो, यप। सो अब लेट्स गो, चलते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन जो है, अभी ट्रिम लाना है एक्चुअली, तो ट्रिम लेके आते हैं और मेरे पास अभी ट्रिम एक पड़ा हुआ था जो मैं लेके भी आया था, वो कहाँ है, 1 सेकंड में तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो 2 पड़े हुए हैं, तो उसको मुझे डुप्लीकेट भी करना है एंड तो फटाफट चलते हैं डायमंड थोड़े से और माइनिंग करते हैं एंड उसके बाद मैं मिलता हूँ, फिलहाल अभी मेरे पास 3 है, ठीक है
ओके, तो मेरी गलती से रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया था, जो हर बार मैं करता ही हूँ, तो इस बार भी वही हुआ। एंड डायमंड जो माइन किया था मैंने, वो फुटेज डिलीट हो चुका है। एंड जो ट्रिम करा था वो भी नहीं है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। सो यप, थोड़ा सा हो चुका है मेरा, तुम देख सकते हो, और चार ट्रिम एक्स्ट्रा बन चुके हैं। तो अब लेट्स गो, चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए एंडर पर्ल एंड ब्लेजरोड, जिससे हमें मिला के बनेगा एंडर ऑफ आई। तो फटाफट चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारते हैं। मेरे नेदर में बगल में ही है वो फोर्ट्रेस, उसको कौन सा बोलते हैं यार, इसमें एंडरमैन मिलते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं एंड उनको मारते हैं। ओके, तो मैंने 16 एंडल पर इकट्ठे कर लिए हैं। एंड अब लेट्स गो, चलते हैं ढूंढने फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस ही बोलते हैं आई थिंक, हाँ, तो फोर्ट्रेस ढूंढते हैं एंड ब्लेज रोड मारते हैं भाई साहब। चलो, तो मैंने अभी चेक किया एंड मेरी वो जो वीडियो थी ब्लेज रोड इकट्ठे करने वाली, वो मैंने डिलीट कर दिया एक्चुअली गलती से। सो उसके लिए आई एम सो सॉरी, तुम्हें मैं क्यों बोल रहा हूँ वैसे मुझे खुद नहीं पता, लेकिन सॉरी। एंड ये अब मैं बैट इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ एंडर ड्रैगन को बैट से मारूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा ना इस चीज़ का। ट्राई करूँगा, वैसे मेरा मन तो नहीं है मारने का, लेकिन देखते हैं यार, अगर जैसा सिचुएशन हो उस हिसाब से करेंगे। एंड लेट्स गो, चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारते हैं। उसके बाद एक शुगर केन फार्म बनाना है, या शुगर केन फार्म बनाएंगे क्योंकि हमें रॉकेट चाहिए बहुत सारा भाई। तो लेट्स गो, चलते हैं बनाते हैं। ओके भाई साहब, मिल गया फाइनली। तो इसको पहले जल्दी से तोड़ते हैं स्पोनर को। एंड यप, हम आ चुके हैं। एंड भाई मुझे यहाँ पे एक ट्रिम भी मिला जो तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई बहुत मज़ा आ गया यार यहाँ पे आने के बाद। और थोड़ा लाइब्रेरी में लूटा है तो इसलिए मुझे थोड़े बहुत सामान मिल चुके हैं, जैसे लाइक ट्रिम मिला है वो भी दिखा दो। लेकिन यार ये कितने परेशान करते हैं भाई, इरिटेटिंग है यार ये एक नंबर के। एंड यार एक सेकंड, मैं इसको बंद कर दूँ पहले, नहीं तो जल जाऊँगा मैं खुद ही। एंड लेट्स गो, लेकिन उससे पहले मैं एंडर ड्रैगन को मारने से पहले एक बार घर जाऊंगा। अब तुम कहोगे भाई दोबारा क्यों, क्योंकि मुझे लाना है कुछ सामान लाइक शुगर केन के थोड़े से रॉकेट, क्योंकि मैं एंडर ड्रैगन को मारने के बाद जाने वाला हूँ। सो या लेट्स गो, पहले यहाँ पे क्या बोलते हैं, थोड़ा ऑब्सीडियन इकट्ठा करते हैं, पोर्टल बनाते हैं एंड लेट्स गो, चलते हैं अपने वर्ल्ड में। वर्ल्ड में नहीं, एक्चुअली मैं तुम एक काम करता हूँ, एंडर ड्रैगन को मारते हुए दिखाते हूँ, क्योंकि तुम फालतू चीज़ें देखोगे तो मुझे पता है तुम स्किप करने वाले हो। सो यप, लेट्स गो, चलते हैं और एंडर ड्रैगन को मारते हैं। बाय। फाइनली आखिरकार मैंने माइनक्राफ्ट के बॉस को हरा दिया एंड मैं बन चुका हूँ इस गेम का विनर एंड बॉस एंड राजा एंड किंग, सब चीज़ मैं ही हूँ एक्चुअली। सो लेट्स गो, एक्सपी इकट्ठा करते हैं एंड अब चलते हैं फटाफट से एंड सिटी एंड थोड़े चलकर्स को मारेंगे एंड बहुत सारे चेस्ट लूटने वाले हैं अगर मिल गया तो। एंड इलेक्ट्रा ढूंढ के फटाफट से आएंगे और हमारे को शुगर कैन फार्म बनाना है यार। लेट्स गो, बाय। ओके, तो यार बहुत पास में यार ये चीज़, तो माय गॉड, अब बस इसमें इलाइट्रा मिल जाए मुझे, अगर शिप दिख गई तो भाई लग तो नहीं रही, इसमें शिप है प्लीज़ मिल जाए यार, मुझे भागना नहीं है आज, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी बन रही है एंड बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ। सो यप, ओ मिल गई भाई फाइनली। तो लेट्स गो, चलते हैं ऊपर एंड इलाइट्रा लेते हैं एंड उसके बाद सब चीज़ लूटेंगे। एंड मैंने घर से अपने क्या बोलते उसको रॉकेट ले आया था, जो कि तुम देख सकते हो भाई बहुत पैसा है अपने पास। तो लेट्स गो, चलते हैं एंड इलाइट्रा लूटते हैं, चेस्ट लूटते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें एंड में बताता हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। तो फाइनली इलाइट्रा हमारे पास आ चुकी है एंड अब हम उड़ सकते हैं फाइनली। अब ब्लॉक लगा के ऊपर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे वाटर लगाया था उसको लगाना नहीं पड़ेगा। एंड भाई साहब अब आया ना मज़ा आया। एंड भाई साहब इसी बात पे, मतलब मेरे को आई थिंक 20 घंटे हो चुके हैं इस टाइम तक एंड अब मुझे जो बनाना है एक लास्ट चीज़ बनानी है, उसके बाद मैं लिटरली, अब तुम कहोगे 20 घंटे नहीं हुए हैं एक्चुअली, क्योंकि मतलब थोड़ा आगे पीछे ही हुआ होगा क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बट अभी करने वाला हूँ। ओके, सो यप, लेट्स गो, चलते हैं शुगर केन फार्म बनाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी जगह भी क्लियर करनी पड़ेगी हमें। सो हाँ, वो भी करेंगे एंड शुगर केन फार्म बनाते हैं। लेट्स गो, बाय। तो मैंने सारे आइटम इकट्ठे कर लिए हैं, तुम देख सकते हो मेरे पास डर्ट हो चुका है, थोड़ा डर्ट लेने आया था, बाकी स्टिक पिस्टन एंड रेड स्टोन बहुत सारे तो मैंने माइनिंग कर ली थी। सो यप, सारे आइटम हो चुके हैं, तो लेट्स गो, चलते हैं बनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बनाऊँ कि नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए, क्योंकि ऊपर यार थोड़ा अच्छा नहीं लगे ना, समझ रहे हो। सो यप, लेट्स गो, चलते हैं बनाते हैं और तुम इन्जॉय करो टाइम लैप्स। यप, टाइम लैप्स मोबाइल में रिकॉर्ड किया, सो सकते हो टाइम लैप्स। तो यप, इन्जॉय करो।
फाइनली फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। 1, 2 एंड 3। तुम बताओ कैसा लग रहा है? मेरे को तो ठीक लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही है इस वाले फार्म में भी एंड इस बिल्ड में भी जो पीछे दिख रहा है, इतना प्यारा सा क्यूट सा घर। सो तुम बताना मुझे कैसा है कमेंट में, मैं तुम्हारे को थोड़ा डिटेलिंग बता दे दो भाई। डिटेलिंग कोशिश तो करिए पूरा देने की, लाइक शुगर कैन फार्म है तो शुगर थोड़े से लगा दे बाहर। एंड इंटीरियर तो भाई साहब, इस साइड बैरल है, ये हमारा प्यारा सा डोर है एंड यहाँ बैठने के लिए मैंने चेयर भी लगा दिया है। यहाँ मतलब तुम अपना सामान यहाँ पर रख सकते हो आओगे तो। एंड ये रहा हमारा शुगर केन फार्म, जिसमें अच्छे खासे अमाउंट में भी ठीक ठाक तो आ ही रहे हैं। एंड ये हमारा जो कहते हैं ना रिपेयरिंग, अगर कुछ करना हो तो वो कर सकते हैं, मेंटेनेंस एरिया। एंड ये हो चुका है हमारा, एंड बाकी रूफ़ मैंने थोड़ा सा ढक दिया है। और ऊपर का मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ टावर के, जो मैंने जो टावर बनाया वो कैसा है। सो ये है हमारा टावर, प्यारा सा जो पहला फ्लोर टावर का। सो यप, ये कुछ ऐसा बनाया मैंने, सीढ़ियों पे थोड़ा ध्यान दे दिया। एंड ऊपर आओगे तो तुम्हारे को ये दिखेगा। एंड उसके बाद प्यारा सा छत, जहाँ पे मैंने थोड़े से वो लगा दिए हैं, और क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तुम बताना कमेंट में, ये जिसमें कंपोस्टर। एंड बस यही है। एंड अब बस मुझे बनाना है पाथ, जैसे रास्ता, तो मैं वो बना के एंड वीडियो एंड करता हूँ, बाय। और तुम बताना मुझे कमेंट में कि जो तुम्हारे को टाइम लैप्स दिखाया वो कैसा था, और मैं अगली वीडियो में वो टाइम लैप्स रखूँ या ना रखूँ। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो कर देना लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए तुम हमारा SMP ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है गोलमाल Season 2। एंड अगर तुम्हारे को ज्वाइन करना है तो कमेंट में पूछ लेना है, या डिस्कॉर्ड पर मेरे ज्वाइन कर लो, थ्रोम गेमर के नाम से आएगा, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी मस्ती मजाक करते हैं। एंड SMP में भाई साहब PVP बिल्डिंग सब कर सकते हो, तो यप आके जुड़ जाओ, बहुत सारे मजे करेंगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।